पर नंबर वन रैंक कैसे लाए, आज के ये वीडियो का टॉपिक है। और यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं ड्रीम इलेवन पर टीम लगाते वक्त, और यही गलती की वजह से उनका नंबर वन रैंक नहीं आता है। नंबर वन तो छोड़ो, यहाँ पर टॉप टेन में भी उनका रैंक नहीं आता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को ज़रूर से देखिए। तो सबसे पहला गलती का यहाँ पर जो लोग करते हैं वो मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए ताकि आगे आपको कुछ इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। सबसे पहले यहाँ पर लोग गलती करते हैं वो टीम लगाते वक्त, यानी कि टीम मैच से पहले ही लगा लेते हैं, यानी कि एक दो घंटा पहले या एक दिन पहले ही वो टीम लगा कर रख लेते हैं, और जब भी मैच स्टार्ट होता है उसमें कुछ भी तब्दीली कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी मैच चालू हो उससे 4-5 मिनट पहले आपको ये सब काम सेटअप फिर से यहाँ पर सेटअप करना है और प्लेयर को सेलेक्ट और अनसेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको ये काम करना है 5 मिनट पहले, लेकिन उससे पहले आपको 15 मिनट पहले टॉस होता है। टॉस ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर आप टीम लगाते हैं तो टॉस देते हैं, जैसे ही होता है तो जो भी टॉस जीतता है, जो भी टीम जीतती है, तो वो यहाँ पर डिसाइड करती है कि हमें बैटिंग करना है या फिर बॉलिंग करना है। अगर वो बैटिंग यहाँ पर चूज करता है कोई भी टीम टॉस जीतने के बाद, तो आपको ये यहाँ पर देखना है कि ये जो बैटिंग है इसका मतलब ये है कि जो पिच है, जो यहाँ पर फील्ड है, वो बैटिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर जो स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा बनने वाला है, यानी अच्छा खासा स्कोर बनने वाला है। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। और बॉलिंग सेलेक्ट होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये पिच अच्छा नहीं है बैटिंग करने के लिए, तो यहाँ पर आपको इसके हिसाब से मैं यहाँ पर बैटर को लगाना है और बॉलर को लगाना है। तो जो भी यहाँ पर बॉलर है बैटर है इनको आपको सेलेक्ट करना है कि कितना आपको बैटर रखना है कितना बॉलर रखना है अपने हिसाब से। इसमें मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 6 यहाँ पर बैटर और 4-5 यहाँ पर बॉलर आपको सेलेक्ट करना है, 2-3 ऑलराउंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो भी टीम का मैच होता है आप देखिए कि वो प्लेयर कैसा है, कैसा परफॉर्मेंस करता है, उसका पिछले वाला मैच कैसा रहा और आने वाला मैच कैसा रहा, ये चीज़ आपको खुद से देखना है और उसके ऊपर में विश्वास है तो आप लगाइए। ये नहीं कि पिछले में वो उन्होंने बहुत ही अच्छा रन यहाँ पर बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया बहुत ही अच्छा रन बनाया, तो आप उसका पिछले वाला भी 2-3-4 मैच का यहाँ पर परफॉर्मेंस देखिए कि उसका कैसा रहा और उसके हिसाब से आप वहाँ पर लगाइए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि जो ड्रीम इलेवन में पॉइंट्स रहता है, कितने लोगों ने इसको कैप्टन बनाया, वाइस कैप्टन बनाया, कितने लोगों ने इसको अपनी टीम में शामिल किया, इसको ये रैंक देखकर और टीम में अपना बिल्कुल मत लगाइए। क्योंकि यहाँ पर जो रैंक होता है ना वो पिछले मैच के हिसाब से लोग उसको सेलेक्ट करते हैं, यानी पिछले मैच में कोई यहाँ पर 100 मार दिया तो ये जो ड्रीम इलेवन का अगला जो मैच होगा वो ड्रीम इलेवन में उसका जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, लोग उसी को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन उस प्लेयर का जो बैकग्राउंड है पिछले 4-5 मैचों में वो ज़रूर से चेक कीजिए, उसके बाद उस प्लेयर को अपने टीम में शामिल कीजिए। तो ये 2-3 काम जो है वो आप कर सकते हैं मैच स्टार्ट होने से पहले, और यहाँ पर आपका जो रैंकिंग होगा वो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिलेगा, और आपको टॉप 10 में नहीं तो आपका जो पैसा होगा वो भी नहीं डूबने वाला है। और मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा जो भी वाइस कैप्टन है और कैप्टन है तो आपको बैटिंग के हिसाब से आपको बताया ना कि टॉस हो गया तो बैटिंग वाला पिच है या फिर बॉलिंग वाला पिच है आपको पता चल जाता है, तो आप अपने हिसाब से बैट्समैन को यहाँ पर कैप्टन बना सकते हैं या फिर बॉलर को कैप्टन बना सकते हैं। अगर बैटिंग वाला पिच है तो बैट्समैन को और बॉलिंग वाला है तो फिर यहाँ पर किसी भी बॉलर को कैप्टन बना सकते हैं। तो ये दो काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आता है वाइस कैप्टन किसको बनाया जाए, तो वाइस कैप्टन देखिए ऑलराउंडर को हमेशा बनाना सही रहता है, क्योंकि वाइस कैप्टन मतलब कि ऑलराउंडर बॉलिंग में नहीं कर पाया तो बैटिंग में कुछ कर देता है, तो यहाँ पर अच्छे खासा पॉइंट यहाँ पर निकल के आ जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर से रखना है, लेकिन कैप्टन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर नंबर वन रैंक लाने के लिए। तो ये 2-3 काम जो आपको करना है ड्रीम इलेवन में टीम लगाने से पहले, ये आप ज़रूर से कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, और फ़ायदा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आपको क्या फ़ायदा हुआ और क्या अच्छा यहाँ पर नॉलेज मिला है।